SS राजामौली की पांच कमाल की मूवी जिसको आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। नंबर 5 पर थे छत्रपति, जो आज 2005 में जिसकी रेटिंग 7.6 थी। मूवी की कहानी में जब पार्वती के परिवार को श्रीलंका के एक छोटे से गांव को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो अपने बेटे शिवा से अलग हो जाती है। शिवा अपनी माँ से मिलने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करता है वो आप मूवी में देखो। क्या कोई प्यार के लिए दूसरा जन्म ले सकता है? नंबर 4 पे थी मगध हीरा, जो आई थी 2009 में जिसकी रेटिंग 7.7 की। मूवी की कहानी में हर्ष को इंदु के पिता की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि वो और इंदु फिर से जन्म लेते हैं, जो एक दूसरे के बंधन में बंधे हैं, जिसके बाद वो चीजों को सही करने की कोशिश करता है। नंबर 3 पे थी मक्खी, जो आई थी 2012 में जिसकी रेटिंग 7.7 की। मूवी की कहानी में नानी बिंदु से प्यार करता है और सुदीप बिंदु के प्रति अट्रैक्ट होने से नानी की हत्या कर देता है, जिसके बाद वो मक्खी के रूप में फिर से जन्म लेता है, जो बदला लेना चाहता है और बिंदु के साथ मिलकर सुदीप की जिंदगी बर्बाद कर देता है। नंबर 2 पे थी RRR, जो आई थी 2022 में जिसकी रेटिंग 7.8 की। मूवी की कहानी में राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के पुलिस ऑफिसर हैं, उनका काम क्रांतिकारियों को पकड़कर सजा देना है। हालांकि राम भी एक मकसद से भी यहाँ है। दूसरी ओर भीम जंगल के कस्बे में रहते हैं, जो अपने आदिवासी समुदाय की एक बच्ची को अंग्रेजों से छुड़ाने के मकसद से जंगल छोड़ दिल्ली आते हैं। यहाँ राम और भीमा की दोस्ती होती है, लेकिन आगे चलकर दोनों एक दूसरे के सामने जा खड़े होते हैं। कहानी के अंत को रामायण के खांचे में डाला जाता है, जहाँ राम, सीता और हनुमान किस तरह अंग्रेजों की लंका का सर्वनाश करते हैं वही आप। नंबर 1 पे आती है बाहुबली, जो आज 2015 में जिसके रेटिंग 8 की। ये मूवी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रहा है, जिसमें बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा साल भर चर्चा में रहा, जिसका आंसर आपको इस मूवी के दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे आप करिए, लेकिन अपने फेवरेट मूवी नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।